Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel Dawn Preparation. Today we will discuss the 10th class English guest papers 2024 for all Punjab boards. ये वीडियो आप नहायत गौर से देखें तो इसमें आपको each and everything जो 10th English में पेपर में आपको आ सकती है वो आपको मिलेगी. सबसे पहले guest paper को देखने से पहले समझने से पहले we need to understand के 10th क्लास का जो एनुअल एग्ज़ाम है वो उसमें कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेयरिंग स्कीम. तो ये डॉन साइंस एकेडमी की जानिब से पेयरिंग स्कीम पब्लिश की गई है. सो लेट्स हैव रिव्यू. इसमें जो सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ 19 मार्क्स जो MCQs पेपर है जो आपको बोर्ड में सबसे पहले दिया जाएगा. उसके 4 पार्ट्स हैं, करेक्शन ऑफ वर्ब्स, स्पेलिंग करेक्शन, मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक जो कि PCTB की बुक से आएगी. ये ज़रा देखें जो वर्ब करेक्शन है इसके 5 मार्क्स हैं, स्पेलिंग करेक्शन के 4 मार्क्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मीनिंग के 5 मार्क्स हैं और ग्रामर पोर्शन के 5 मार्क्स हैं. तो दैट इज़ 19 मार्क्स. और देखें सब्जेक्टिव मार्क्स में सब्जेक्टिव का जो पार्ट है वो 56 मार्क्स का है जिसमें ये क्वेश्चन नंबर लिखे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यू हैव टू अटैम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चन. हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं तो 5 × 2 = 10. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ट्रांसलेशन, पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आपने करनी है उर्दू में. अच्छा ये प्लीज़ डू रिमेंबर कि आपका सिर्फ 1 पैराग्राफ आपको आएगा. क्लास 9th में 3 पैराग्राफ आते हैं लेकिन क्लास 10th में आपको सिर्फ 1 पैराग्राफ आएगा. आपने इसमें जो है ना 1 ही पैराग्राफ करना है, नो चॉइस एट ऑल. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में जो है समरी या स्टेंजा आता है तो कैंडिडेट्स हैव टू राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम और पैराफ्रेज द गिवन लाइंस इन सिंपल वर्ड्स. 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 एसे या पैराग्राफ, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अटैम्प्ट 1 एसे आउट ऑफ 3 और अटैम्प्ट 1 पैराग्राफ आउट ऑफ 3. तो आपको टोटल 6 जो हैं आपके पास ऑप्शंस हैं. आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटैम्प्ट ओनली 1. ये इसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. उसके बाद जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. इसमें आपको 8 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपको ये कहा जाएगा कि इस सेंटेंस को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए. ये इसका पेज नंबर भी लिखा है, आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं. पेज नंबर 123 टू पेज नंबर 128 फ्रॉम दी PCTB बुक्स 2023 एडिशन. ठीक है. उसके बाद पेरो वर्ड्स हैं तो आपको टोटल 8 पेरो वर्ड्स दिए जाएंगे जिसमें से आपने सिर्फ 5 करने हैं. ठीक है. 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. और लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ इनटू इंग्लिश. इसमें आपको 40 पैराग्राफ्स आपकी बुक में मेंशन हैं. उसी 40 में से आपको 1 जो है वो पैराग्राफ वो आपको पेपर में नजर आएगा. जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 की जगह पे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं. इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स विल राइट 10 सेंटेंसेस इन इंग्लिश ऑन द गिवन टॉपिक इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेशन. अच्छा सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट नोट्स काइंडली आप जरा गौर से देखें. The list of questions included in the guest paper is not comprehensive. Cover all the questions included in the guest paper. Don't miss anything. And if you want to score maximum, prepare all the syllabus. देखें अगर कोई भी कैंडिडेट फ्रॉम ऑल अक्रॉस पंजाब ये चाहता है कि उसके 75 में से 75 मार्क्स आएँ, so don't rely on these guest papers only. अगर आप चाहते हैं कि आपके 75 में 75 मार्क्स आएँ तो आप सारे कोर्स को, सारे क्वेश्चंस को जो है वो गो थ्रू करें और उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें. ठीक है. इसमें सबसे पहले अच्छा ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये असल में पूरे पंजाब बोर्ड्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं. आपके पास 13 चैप्टर्स हैं इंग्लिश क्लास 10 के सिलेबस में. उसमें जो यूनिट नंबर 1 है उसमें ये 4 क्वेश्चंस प्लीज़ आप ज़रा इनको लिख लें अपने नोटबुक्स में, उनको बार बार प्रैक्टिस करें. ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द कुरैश थिंक दैट द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वुड फेवर देम. Why did non-Muslims trust the Holy Prophet peace be upon him? Or how can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, how were the people of Makkah convinced of the Rasul sallallahu alaihi wasallam justice even before his nubuwwat? इसी तरह यूनिट नंबर 2 जो है Chinese New Year उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, why do Chinese families do thorough cleaning of their houses before New Year's Day? Question number 2, why what do the little red envelopes filled with money symbolize? Question number 3, why does the dinner consist of 8 or 9 dishes? Question number 4, why is the Chinese New Year never on the same day each year? Unit number 3, try again. How many times should we try and why? And what can we learn from failure? These 2 questions from chapter number 3 are very very important. इसी तरह chapter number 4 से आप देखें, what should your first aid इट कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 इसी चैप्टर में से, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ द फर्स्ट एड इन क्राइसिस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट शुड यू डू इफ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल इन बैंडेजेस। इसी तरह हम देखें जो यूनिट नंबर हमारे पास जो 6 है उसमें से, हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, व्हाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ इज द न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़ एंड हाउ डज द टेलीविजन मेक्स अस लेजी। इसी तरह यूनिट नंबर 7 व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज द ऑथर, लिटिल बाय लिटिल वन वर्क्स फॉर। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ हैज द राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशन। इसी तरह बिल्कुल यूनिट नंबर 8 जो कि पीस है उसमें से एक क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पंजाब बोर्ड में बार बार पूछा गया है, हाउ डज दिस सीन लुक लाइक व्हेन द विंड इज टेल। यूनिट नंबर 9 हाउ कैन कैरियर काउंसलर्स हेल्प द यंग पीपल। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वर सम फेमस कैरियर्स फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर एनी नीड ऑफ प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट और व्हाई। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। ये देखें ये व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जो पेरेंट्स है, ये दिस इज ए यू कैन से कंसेप्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन जिस पे आपको पेरेंट्स की जिम्मेदारी लिखनी है कि पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है बच्चों के कैरियर सिलेक्शन में और उनके कैरियर काउंसलिंग में। तो आप इस सवाल की प्रैक्टिस अपने लाजमी नोटबुक्स में करें और किसी भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चेक करवाएं। इसी तरह यूनिट नंबर 10 देखें व्हाट रोल डज ए लाइब्रेरी प्ले टू प्रमोट द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ डज ए बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर। यूनिट नंबर 11 व्हाई डिड पिप गिव फूड एंड ड्रिंक टू द प्रिजनर। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डिड द प्रिजनर सपोर्ट पिप। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट हैपेंड टू द प्रिजनर। क्वेश्चन नंबर 4 हु वाज जो एंड हाउ डिड ही ट्रीट पिप। यूनिट नंबर 12 में देखें तो हाउ इज फॉसिल फ्यूल ए फाइनाइट रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई आर द डेवलपिंग कंट्रीज गोइंग टू सफर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 डू यू आल्सो फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी एंड व्हाई, यू हैव टू टेल द रीजन आल्सो। यूनिट नंबर 13 देखें तो व्हाई डिड द एक्यूजर्स फॉरगिव द विलेजर, व्हाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल अ स्टोन एट द कैमल एंड व्हाई डिड द विलेजर आस्क हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टू डिले द एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन व्हाट कंडीशन वाज द क्रिमिनल अलाउड टू लीव। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाई वर द सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरीड। ये आपने क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपने नोटबुक में लिखने हैं, उनको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। इसी में से आपको इंशाल्लाह 5 क्वेश्चंस तमाम पंजाब बोर्ड में पेपर में नजर आएंगे। अगला जो क्वेश्चन होता है हमारा पेपर में वो होता है ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ। देखें मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि क्लास 9th में 3 पैराग्राफ्स आते हैं जिसमें से आपको सिर्फ 2 करने होते हैं, 4 मार्क्स का एक पैराग्राफ का क्वेश्चन होता है। जो क्लास 10th है इसको पैराग्राफ की ट्रांसलेशन, वो सिर्फ एक पैराग्राफ आता है और आपको उसी पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करना है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का नहीं है और इसमें आपको कोई चॉइस भी नहीं दी जाएगी। इसमें जो पैराग्राफ यहाँ पे मेंशन है आप इनकी ट्रांसलेशन लाजमी प्रैक्टिस करें और बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको यही जो है ट्रांसलेशन आपको पेपर में नजर आएगी। ये यूनिट नंबर 1 में ये 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं आप, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव दैट नो वन, यहाँ से ये पैराग्राफ शुरू होता है और इसकी जो है एंडिंग लाइन है वो है सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, यहाँ तक। इसी तरह ये आपके सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज ए परफेक्ट मॉडल एंड एग्जांपल ऑफ द पीपल, कंटिन्यूएशन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ये लास्ट जो है ये फ्रेज है इस पैराग्राफ की एंड की, ठीक है, ये आप नोट कर लें। इसी तरह ये पैराग्राफ नंबर 3 है। आगे चलें तो यूनिट नंबर 2 में ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर इन कंटिन्यूएशन मींस लॉन्ग लास्टिंग। इसी तरह जो नेक्स्ट पैराग्राफ इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इट इज़ ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर एडल्ट्स एलिप्सिस गिवर, ठीक है। ये दोनों प्रैक्टिस जो हैं, ये दोनों पैराग्राफ्स आपने इस चैप्टर से प्रैक्टिस करने हैं। यूनिट नंबर 3 जो है वो एक पोइम है, उसमें से ट्रांसलेशन आपको नहीं आएगी। यूनिट नंबर 4 देखें, ये देखें मैं यूनिट नंबर 4 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं ट्रांसलेशन के हवाले से वो मैं आपके सामने मेंशन करने लगा हूँ। आप भी इसे इन जो 2 पैराग्राफ्स हैं इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इनको इंग्लिश को आप अपने रजिस्टर पे नोटबुक पे लिखें और इनकी ट्रांसलेशन करें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में आ सकते हैं आपके फाइनल पेपर में, ठीक है। अच्छा ये देखें जरा क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 6 देखें आगे। यूनिट नंबर 6 में 3 पैराग्राफ्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस कंटिन्यूएशन आर नॉट इंटरेस्टेड इन, ये आप 3 पैराग्राफ नोट कर लें। इसी तरह यूनिट नंबर 7 में आपके सामने ये मेंशन है 2 पैराग्राफ्स। इसी तरह यूनिट नंबर 9 में ये 2 पैराग्राफ्स मेंशन हैं। यूनिट नंबर 10 में। देखिए यूनिट नंबर 10 में ये वाला जो पैराग्राफ है, लिटरेचर इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस इन कॉन्टिनेंटल लार्जर सोसाइटी, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर ट्रांसलेशन। अक्सर एग्जामिनर यहाँ पे आके रुक जाता है और वो ये वाला पैराग्राफ लाजमी ट्रांसलेशन के लिए देता है, तो प्लीज डू रिमेंबर ये वाला पैराग्राफ आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह यूनिट नंबर 11 में देखें, ये दो पैराग्राफ्स मेंशन है, प्लीज डू एक्सरसाइज, इसकी प्रैक्टिस करें, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है करें। यूनिट नंबर 12 में देखें तो ये तीन पैराग्राफ्स मेंशन हैं। यूनिट नंबर 13 में देखें तो द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन, इन कंटिन्यूएशन सरेंडर्ड माई सेल्फ टू देम, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास होता है समरी का। आपके टोटल सिलेबस में 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 ही समरीज जो हैं वो आपके पेपर में शामिल हो सकती हैं। उसमें जो पहली पॉइंट है वो है ट्राई अगेन, दूसरी द रेन और तीसरी पीस। देखिए पीस में और द रेन में और ट्राई अगेन में कोई जो है आपको गेस्ट पेपर नहीं मिलेगा, उसमें आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे तरीके से समरी आपने याद करनी है और उसको आपने पेपर में लिखना है। तो इक्वली इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट, डोंट मिस एनीवन, कोई भी पॉइंट की समरी आपको पेपर में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसेज और पैराग्राफ्स का। देखिए ये 15 नंबर का सवाल है जो आपके लिए पेपर में मेक और ब्रेक का किरदार अदा कर सकता है, तो आपने इस सवाल को बिल्कुल भी जो है ना लाइट नहीं लेना, ठीक है। इसमें मैंने ये वाले जो एसेज हैं वो शॉर्टलिस्ट किए हैं, आपने इस सारे एसेज को प्रैक्टिस करना है, याद करना है और लाजमी इवेल्युएट करवाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स घर में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं और उसे याद कर लेते हैं, लेकिन इवेल्यूएशन वाला पार्ट स्किप कर जाते हैं। देखिए जब तक आप इवेल्युएट नहीं करवाएंगे, अपने आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा, तो आप कैसे उसे करेक्ट करेंगे, कैसे मैक्सिमम मार्क्स ले सकेंगे, ठीक है। तो आपने लाजमी किसी भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से लाजमी अपने पेपर को, अपने जो प्रैक्टिस किए हुए पेपर को लाजमी आपने इवेल्युएट करवाना है। इसमें आप देखें जो पहला ऐसे है वो माई हाउस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे, माई हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे, आपने इस पे ऐसे लिख के प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ए रेनी डे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे, लाइफ इन ए बिग सिटी, माई लास्ट डे एट स्कूल, ए रोड एक्सीडेंट, ए क्रिकेट या फिर ए हॉकी मैच, ठीक है। इसी तरह बॉय स्काउट्स, अक्सर पेपर में किसी न किसी पेपर में आपको लाजमी मिलेगा। कायदे आजम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे, कायदे आजम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। इसी तरह माई एम्बिशन और साथ में कर्टसी। अगर हम बात करें पैराग्राफ्स की, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपके पेपर में टोटल 6 ऑप्शंस आएंगी, 3 ऐसेज आएंगे और 3 पैराग्राफ्स। आपको उन 6 ऑप्शंस में से कोई सा भी एक ऐसे या एक पैराग्राफ करना होगा, ठीक है। आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1। तो इसमें पैराग्राफ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पंजाब बोर्ड्स में, तमाम पंजाब बोर्ड्स में बार बार पूछे गए हैं, मैंने वो सबको कंसोलिडेट करके आपके सामने एक लिस्ट वज़ा की है। तो इसमें आप देखें तो माई स्कूल इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, तमाम पंजाब बोर्ड्स में मुतअद्दद मरतबा ये पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह गर्ल गाइड्स अगेन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, फैशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर्स जो है ये पैराग्राफ अभी जो नई पीटीबी की बुक आई है उसमें शामिल है, तो आप ये कंप्यूटर का जो पैराग्राफ है इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आप इस पे लाजमी पैराग्राफ याद करें और उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसी तरह ये प्लेजेंट ड्रीम है, अलामा इकबाल अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, पाकिस्तानी वुमेन, माई नेबर, ए हाउस ऑन फायर एंड द टीचर आई लाइक द बेस्ट। ये आपके सामने लिस्ट है, इसको आप लाजमी तौर पर अपने नोटबुक्स में लिख लें और इनसे मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस हो सके आप प्रैक्टिस करें। देखें ये पेपर में आपका मेक और ब्रेक का रोल प्ले कर सकती है। 15 मार्क्स अगर आपके पास आ गए तो आप जो है बिल्कुल इजीली कंफर्टेबली आप क्लास 10 की इंग्लिश जो है ना गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लाजमी तौर पे इनको क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है वो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेज का, जिसमें आपको टोटल 8 सेंटेंसेज आपके पेपर में होते हैं, इसमें आपने कोई से 5 करने होते हैं। देखिए इन सेंटेंसेस की जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हैं इसके अंदर भी मजीद आगे टाइप्स हैं, जिस तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, जिस तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनका सबका करने का जो तरीक़ाकार है सॉल्व करने का वो मुख्तलिफ है। तो आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि ये सेंटेंसेस अपने कॉपीज़ पे लिखें, उनकी टाइप्स अलग अलग करें और सबके अलग तरीक़ाकार के मुताबिक प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप इस पार्ट में प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपको इस पे, इस क्वेश्चन पे ग्रिप मजबूत आपकी होती जाएगी, ठीक है। और आप जो है इसमें कोई भी एक नंबर भी कटने नहीं देंगे, ठीक है। तो आप सारे ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं, इसको वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और एक एक सेंटेंसेस को लिखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है पेयर ऑफ वर्ड्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आप बहुत कम मेहनत से पूरे नंबर ले सकते हैं, टोटल आपके जो सिलेबस में पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो 78 हैं, तो 78 पेयर ऑफ वर्ड्स में से आपको 8 आने हैं और यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5। देखें, एक पेयर ऑफ वर्ड आप सही करेंगे और एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स। अगर आपने किसी भी पेयर में से एक जो वर्ड है उसका सेंटेंस ठीक लिखा और दूसरे वर्ड का सेंटेंस ठीक नहीं लिखा तो आपको फुल मार्क्स नहीं अलॉट किए जाएंगे। आपने ये बात अपने जहनों में अच्छे तरीके से जहनशीन रखनी है कि अगर आपने दोनों वर्ड्स का सही सेंटेंसेस लिखे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये आपके सामने सारे वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्ड्स को आप जो है अपने अपने नोटबुक्स में लिखें और इनके सेंटेंसेस आप याद कर लें। आप अगर लिख सकते हैं खुद से तो लिख लें, और लेकिन मैक्सिमम जितनी हो सके प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसी तरह जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ्स की इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन, उर्दू वाला पैराग्राफ जिसमें आपको एक उर्दू का पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसमें टोटल आपके जो पास पैराग्राफ्स हैं वो 40 पैराग्राफ्स। उसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये नंबर मैंने मेंशन किए हैं, पैराग्राफ नंबर 2, 4, अगेन 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34 एंड 37। आपने करना क्या है, आपने इन पैराग्राफ की उर्दू जो है वो लिख लेनी है और उसके बाद आपने इसकी इंग्लिश की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंग्लिश गेस्ट पेपर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर आपको किसी भी सवाल की समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ राइट इन कमेंट्स। इसी तरह बाकी तमाम गेस्ट पेपर्स की भी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ राइट इन कमेंट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया।